इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। इसको कोई समस्या ही नहीं मानता था, न इसके लिए कभी काम होता था। विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस कर सारे के सारे बैठे रहते थे, जमीन पर परिणाम नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छता का अभियान छेड़कर देश में 4.5 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट बनाए हैं। एक घर में टॉयलेट पहुंचने का मतलब आंकड़े नहीं है राहुल जी, एक 15-16 साल की बच्ची सुबह सुबह खुले में शौच क्रिया करने के लिए टॉयलेट के बगैर खुले में वो उसको जाना पड़ता है, उसका सर शर्म से झुक जाता है, हजारों निगाहें उसको देखती, उसका आत्मविश्वास अरोज टूटता है। उसको अभी नागरिक बनना बाकी है, देश के विकास में अपना योगदान देना बाकी है, वो उसके लायक नहीं रहते हैं। 4.5 करोड़ घर में शौचालय बनाने के बाद हमने देश की करोड़ों बच्चियों को और करोड़ों महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम हुआ।